हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ट्रेन थीम रेस्टोरेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन खड़ा हूं और यहीं से होकर वो रास्ता ट्रेन थीम रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक मैंने बता दिया है ट्रेन थीम रेस्टोरेंट, लेकिन दोस्तों चलते चलते बीच में आ गई है फूड बस। या दोस्तों, राजेंद्रा प्लेस जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल साइड में ही पड़ती है फूड बस। जी हाँ दोस्तों, और इसके ऊपर बैठने के लिए जगह बनाई गई है और नीचे से खाना सर्व किया जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक अलग है, तो आज लोग ही अलग है, तो आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे रास्ता देख पा रहे हैं, ये रास्ता जाता है ट्रेन थीम रेस्टोरेंट की तरफ। और यहाँ से सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 कदम चलना पड़ेगा और वो रेस्टोरेंट आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। तो दोस्तों, ये लीजिए, अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेन थीम रेस्टोरेंट के पास। यहाँ दोस्तों बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यहाँ पे आने में। लेकिन दोस्तों, मैं राजेंद्रा प्लेस बहुत बार आया हूँ दोस्तों, इस मेट्रो स्टेशन के पास से बहुत बार गुजरा हूँ, लेकिन मैं इस रोड पर कभी आ ही नहीं पाया और मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। तो चलिए आज देख लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। दरअसल ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं यहीं से इसकी एंट्री है। तो हम यहीं से एंटर करेंगे और आज का लंच भी यहीं पर होने वाला है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। दोस्तों, अभी हमने टिकट ले ली है और अभी हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, टिकट नहीं लगता है यहाँ पर। सिर्फ आप आइए, एंट्री करिए और अपना ऑर्डर दीजिए और जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। तो एक्चुअली अभी हम अपनी सीट के ऊपर बैठ गए हैं और अभी यहाँ पर हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों, ये तो पता नहीं यहाँ का खाना कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अंदर एंट्री करते हैं, जो इसकी थीम है ना दोस्तों, इसको देख के ही मज़ा आ गया। अंदर एंट्री करते ही लगा सच में ट्रेन में आ गए हैं। तो अभी टेस्ट भी देख ही लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारी फेवरेट डिश है ये सारी अपने को इसके अंदर मिल गई है। वड़ा है, इडली है और ये सांभर हो गया और ये डोसा। दोस्तों, पिक के अंदर जो क्वालिटी दिख रही है वो तो अलग ही है। अभी आने दो, फिर देखते हैं। ये सूप है तो ये इसका चार्जेस ओके। तो दोस्तों, अभी हमारे पास टोमेटो सूप आया है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये वेलकम बोल रहे हैं इसको, ये वेलकम सूप है, आप नॉर्मली आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, तीखा खाने वाले को मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये टोमेटो सूप कम और चिल्ली सूप ज़्यादा लग रहा है। तो जो भी तीखा खाते हैं, तीखे के शौकीन हैं, उनके लोग यहाँ पे बोलते ना बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने डिश आ चुकी है हमारी। अभी तक तो हमने सूप भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही हमारी डिश आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी हमारी थाली के अंदर आया है, यहाँ पे उपमा है और उससे आगे वड़ा है, उससे आगे इडली है, ये डोसा है और वो उपमा है शायद, कोई डिश से आज तक मैंने खाया नहीं है तो वो अलग है। तो यहाँ पर ये सांभर है, ये नारियल की चटनी है, ये दो चटनियाँ और ये स्वीट डिश है दोस्तों साथ में, जो खीर टाइप ही कुछ है, जो खीर ही लग रहा है मेरे को। तो
तो दोस्तों पीछे सॉन्ग चल रहे हैं, अब पता नहीं ये कॉपीराइट ला के छोड़ेंगे। अब मेरे को तो वीडियो बनानी है और खाना भी है, मेरे को लग रहा है सॉन्ग बज रहे हैं इससे कॉपीराइट ना आ जाए। तो अभी बात रिव्यू की कर लेते हैं, क्योंकि खाने को तो रिव्यू देना बनता है दोस्तों। तो अगर खाने के टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं 5 में से दूंगा 4.5, और अगर थीम की बात करें ट्रेन की तो मैं उसे 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी थीम इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट इसको बनाया गया है। तो और बिल की बात करूँ तो दोस्तों इसके मामले में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कॉस्टली है, लेकिन खाना अच्छा है दोस्तों। ये था छोटा सा वीडियो ट्रेन थीम रेस्टोरेंट के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए बीएस वाले।